रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह और आज इसी शहंशाह का जन्मदिन है जो सदी के महानायक है जिन्होंने बॉलीवुड को हिट फिल्मों का तोहफा दिया। और आज बॉलीवुड की बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। आज सदी के ये महानायक 77 साल के हो गए हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में हुआ था और आज उनके जन्मदिन पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताएंगे, साथ ही उनकी फिल्मों से जुड़े कुछ किस्से भी। आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्मी करियर की शुरुआत में उन्हें लगातार 12 फ्लॉप फिल्में झेलनी पड़ी थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने फिल्म जंजीर से बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बना ली। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को उनकी भारी भरकम आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो ने भी रिजेक्ट कर दिया था। अमिताभ की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत उनके डायलॉग हुआ करते थे। ये ऐसे होते थे कि तुरंत लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे। कई डायलॉग तो हमारे जीवन शैली का हिस्सा बन चुके हैं। अमिताभ बच्चन की कई सारी फिल्में और कई सारे ऐसे डायलॉग हैं जिन्हें भूल पाना नामुमकिन है, जिनमें दीवार, शोले, अमर अकबर एंथोनी, नटवर लाल, अग्निपथ, बंटी और बबली, पा और पीकू जैसी मूवी शामिल है। कहीं अमिताभ ने बीड़ी पीते पुलिस वाले का रोल किया है, तो कहीं अमिताभ कजरारे पर डांस करते हुए नजर आए, तो कहीं जय और वीरू की जोड़ी ने कमाल किया, तो कहीं पर उन्होंने ओरो जैसे बच्चे की कहानी लोगों के सामने रखी, तो कहीं उन्होंने ऐसे पिता का किरदार निभाया जो बीमारी से परेशान है और अपनी बेटी के साथ जीवन बिता रहा है। इन सारे किरदारों की माने तो अमिताभ ने अपने अभिनय से इन सभी किरदारों में मानो जान ही फूंक दी। इसी तरह से अमिताभ बच्चन के गाने भी दिल को छू लेने वाले हैं, जिन पर आज भी डांस किया जाता है, जिनमें होली खिले रघुबीरा, पग घुंघरू बांध मीरा नाचेगी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जैसे गाने शामिल है, जिन पर अमिताभ जमकर थिरके हैं और दर्शकों को भी बहुत नचाया है। अमिताभ के जीवन में कई बुरे पल भी आए हैं। 77 साल के अमिताभ आज भी किसी फिट हीरो की तरह काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि अमिताभ के लीवर का 75% हिस्सा खराब हो चुका है। इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। अमिताभ बच्चन ने यह बयान एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में दिया था। इस कार्यक्रम में वो बतौर मेहमान आए थे। बिग बी ने कहा था कि मुझे ये कहते हुए बुरा नहीं लगता कि मैं ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हूँ। मेरे लीवर का 75% हिस्सा खराब है और मैं 25% लीवर के सहारे जी रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ की ये पंक्तियाँ, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, मानो उनके बेटे अमिताभ की नियति का ही बखान थी। 50 सालों के इस फिल्मी सफर में लंबू से वो बिग बी बने। वो सबसे अलग है क्योंकि उन्होंने समय को पहचाना है, समय से होड़ नहीं की, समय के साथ कदम मिलाकर चले। 11 अक्टूबर को अमिताभ का जन्म हुआ तो बचपन में उनकी माँ तेजी बच्चन उन्हें मुन्ना कहकर बुलाती थी। बाद में पिता हरिवंश राय बच्चन ने उनका नाम इंकलाब रखा। हरिवंश राय बच्चन एक बड़े कवि रहे तो उनके घर पर अक्सर इलाहाबाद में कवियों की महफिल जमती थी। एक बार ऐसे ही कवि सुमित्रा नंदन पंत उनके घर आए। उन्होंने अमिताभ को देखा और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अमिताभ ने कहा, इंकलाब। पंत इस नाम से खुश नहीं हुए और तुरंत कहा, इसे अमिताभ नाम से बुलाओ। बस फिर क्या था, उसी दिन से इंकलाब अमिताभ बच्चन बन गए। पंत को शायद इस वक्त मालूम नहीं था कि एक दिन अमिताभ वाकई अपने नाम को सिद्ध कर देंगे और उनको पूरी दुनिया जानने लगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमर कॉलेज के ड्रामा शिक्षक फ्रैंक ठाकुर दास ने शर्मीले और मितभाषी अमिताभ बच्चन को अगर कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने को नहीं कहा होता तो शायद ही फिल्म प्रेमी उन्हें कभी बड़े पर्दे पर देख पाते। अमिताभ बच्चन ने फिर जब अंग्रेजी और हिंदी नाटकों में पूरे उत्साह, समर्पण और एक ध्येय के साथ भाग लेना शुरू किया तो उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। केएम कॉलेज ड्रामा सोसाइटी सिर्फ कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अपने नाटकों का मंचन करती थी
और अमिताभ इसके एक अभिन्न अंग थे। अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी में एक्टर नहीं बल्कि इंजीनियर बनना चाहते थे, साथ ही एयरफोर्स में जाने का भी उनका सपना था। सबसे पहले उन्होंने कोलकाता में बतौर सुपरवाइजर नौकरी की, जहां उन्हें 800 रुपए मासिक वेतन मिला करता था। वहीं साल 1968 में कोलकाता की नौकरी छोड़ने के बाद वो मुंबई आ गए और उसके बाद हमें मिला एक बेहतरीन कलाकार। और आज सदी के इस महानायक का जन्मदिन है और घमासान परिवार उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।